महिला सशक्तिकरण को लेकर आजकल तो सरकार के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, अब देखना ये होगा क्या खास होता है महिलाओं में, क्या खास, क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो घर की हो चाहे वो समाज की हो। सबसे ज्यादा अहम बात तब हो जाती है जब किसी भी महिला को घर के साथ साथ समाज का दायित्व भी उठाना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, मैं आपको उनके बारे में आज कुछ जानकारी दे दूं। उन्होंने कई सारे स्ट्रगल फेस किए हैं, उन्होंने ये समझा है, खासतौर पर जैसे कि मेरी प्रीवियस फैशन स्टोरी रही है, चाहे वो फैशन फिएस्टा को लेकर हो चाहे वो फैशन बस को लेकर हो, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ऐसी स्टोरी से मुखातिब मैं कराऊं जो रियली चाहे वो लखनऊ नवाबों के शहर की खुशबू हो चाहे वो मुंबई की हो। तो चलिए इस वक्त मैं एक शख्सियत से आपको मुखातिब कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना इंट्रो देंगी और हमें बताएंगी अभी तक उनके इतने दिनों में क्या क्या खासा अचीवमेंट्स रहे हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है इंडिया लाइव टीम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रो दीजिए और बताइए अभी तक आपने इस जो आपका पैनाश मिसेस इंडिया 2018 का जो आपने खिताब जीता है, बहुत बड़ी होती है खिताब, चाहे जो भी हो कितनी स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ती है। हम आज स्टोरी जानेंगे बैक स्टेज की क्या है प्लीज। थैंक यू आकाश इतने अच्छे क्वेश्चन के लिए, थैंक यू आकाश। एक्चुअल में जब मेरा पनाश मिसेस इंडिया 2018 में सिलेक्शन हुआ तो आई एम वेरी नर्वस, मुझे लग रहा था कि मैं मिसेस कानपुर तक तो ठीक हूँ, अपने घर पे तो हर कोई शेयर होता है, लेकिन दूसरे की जगह पे जाके अपने आप को प्रूव करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे 24 स्टेट से बहुत से प्रतिभागी आए थे, तो जब मैं उन लोगों से मिली तो काफ़ी हद तक नर्वसनेस कम हुई और धीरे धीरे जो हमारे डायरेक्टर थे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत कूल कराया। और जब हम लोगों की ग्रूमिंग स्टार्ट हुई तो उस बीच जो हम लोगों को सीखने को मिला वो बहुत गजब का था और वो आगे भविष्य में मेरे बहुत काम आने वाला है। तो मैं पनाश का और अपने दोस्तों का, अपने परिवार का, सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं जिस मुकाम पे भी आज पहुँची हूँ वो सब उन्हीं की वजह से पहुँची हूँ। और हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि महिला के लिए बहुत ज्यादा अहम बात तब हो जाती है क्योंकि उनको चैलेंजेस कई सारे फेस करने पड़ते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े चाहे वो फैमिली टर्म्स पे हो या फिर सोसाइटी टर्म्स पे हो, कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको कभी सामने आए? जी आकाश जी बिल्कुल आए हैं। और मैंने 2015-16 तक मैं सिर्फ एक सम्मिलित परिवार में रही हूँ और मैंने सबके हिसाब से लाइफ को अपने एंजॉय किया है, अपने बच्चों को बड़ा किया है, उनको शिक्षा दी है और मेरे फैमिली में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आई हैं जिनको मैं ओपन नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। आप जितना सोच सकते हैं बस उतना सोच लीजिए और बस उसके बाद जब वो सब चीज़ें ऊपर वाले की कृपा से शॉर्ट आउट हो गई हैं तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नैना अब आप अपने लिए स्टैंड करिए और अपने आप को प्रूव करके दिखाइए कि हाँ आप इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद भी हिम्मत आपकी नहीं टूटी है। तो उनके सपोर्ट की वजह से मैं 2017 में मिसेज कानपुर रही हूँ और 2018 में मिसेज इंडिया पंजारिटी अवार्ड से सम्मानित करी गई हूँ। और मैम हम आपसे जानना चाहेंगे एक फैशन इंडस्ट्री में खास तौर पे कानपुर की बात की जाए तो अभी भी कई सारी चीज़ें ध्रुवीकरण के चलते काफ़ी इतना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को हमें मिल जाते हैं। अब आप हमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आप जब इस इंडस्ट्री में आप आए, आपने सारी चीज़ें देखी, पॉइंट आउट करी, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी जो थी वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी या फिर आपको कभी डर सा लगा कि हम इस लाइन में और आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही कानपुर की बात तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा फैशन को लेके लोग बहुत नैरो माइंडेड है, बच्चे अपने मन की करते हैं लेकिन पेरेंट्स अभी भी उतना ज़्यादा ओपन नहीं है कि वो बच्चों को छोटे कपड़े पहनने दें या ओपन घूमने दें, सोच उनकी अभी उतनी ब्रॉड नहीं है। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की प्रतिभा को दबाएं नहीं और उनको आगे आने का मौका दें। और मैं भी हूँ, मैं भी 15 साल साड़ी पहनी है, मैं भी घूंघट में रही हूँ और ऐसा नहीं है, आप अगर अपने आप से अच्छे हो तो दुनिया आपके लिए अच्छी होगी। एक कदम बढ़ा के देखिए, बस आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए अपने कार्य के प्रति। और आप उन्हें ये बताओ, खासतौर पर देखा गया है कि जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी किसी फील्ड में आती हैं तो 10 तरह की बातें होती हैं, समाज में तुम ये कर पाओगी तुम्हें नहीं कर पाओगी, लोगों का भी काफी ज्यादा इंगेजमेंट उसमें हो जाता है, तो इस विषय में आपको क्या कभी इन सब चीजों का सामना करना पड़ा हुआ? नहीं, मुझे ऐसा कोई सामना अपने परिवार की तरफ से तो नहीं करना पड़ा है, लेकिन
हाँ बहुत सारे रिलेशन में ऐसे लोग होते हैं जिनको नई चीजें पसंद आती हैं, लेकिन ठीक है हमने प्रूफ करके दिखाई हैं चीजें, अब आपकी पसंद ना पसंद वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती है। अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो मेरे लिए सब कुछ है। और आम महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग ये मत सोचिए कि आप कुछ कर नहीं सकती। आप ग्लैमर वर्ल्ड में जरूरी नहीं है कि आप ग्लैमर वर्ल्ड में ही जाएं। आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, सिलाई है, कढ़ाई है, टीचिंग है, कुछ भी, आप अपने घर में भी बैठ के बहुत सारे काम ऐसे कर सकती हैं। आप शुरुआत तो करिए, जब आप शुरुआत करेंगे तो लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, मेरा ये सोचना है पर्सनली। ओके, और अक्सर लोगों को ये लगता है, मैं आपके द्वारा जनता तक मैसेज ये कन्वे कराना चाहता हूँ कि उन महिलाओं के लिए आप कुछ और उन पुरुषों के लिए कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहते हो जो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पाता है, अगर कोई भी घर की स्त्री हर चीज में शामिल होना चाहती है तो उनको वो अपनी स्किल्स को क्या अंदर दबा के रखते हैं या फिर वो अपनी सारी स्किल को कहते नहीं एक्सेस जो उनका और बढ़ा के रखते हैं। जी ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअल में होता क्या है, लेडीजें बहुत कुछ करना चाहती हैं, ये नहीं है कि औरतें करना नहीं चाहती, करना चाहती है, लेकिन उसको कहने और मनवाने का एक तरीका होता है जो सिर्फ स्त्रियों के पास ही होता है। तो प्लीज उस क्वालिटी को आप लोग निखारिए, समझ नहीं होगी सारी स्त्रियाँ उस बात को, तो उसको अच्छे से पहले अपने आप को कहीं पर साबित करिए, फिर जब आप कोई चीज़ डिमांड करेंगी ना तो सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। और मैं सभी जो भी हस्बैंड्स हैं और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो अपने पापा के घरों में हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि एक बार उनसे मौका मांगिए और मौका वो देंगे, उनको प्रूव करके दिखाइए, फिर जिंदगी जिंदगी आपकी है, आसमान आपका है। कोई ऐसा आखिरी मैसेज खासतौर पर कानपुर वासियों को आप देना चाहोगे? आपने एक इतना बड़ा खिताब जीता है, इंडिया लेवल का खिताब है, लोगों को बहुत इसके लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है, आप कोई ऐसा मैसेज जो कानपुर वालों वासियों को देश की जनता को आप कन्वे करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? जी हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि जो है हर औरत में प्रतिभा होती है, ऐसा है ही नहीं कि किसी औरत में प्रतिभा नहीं हो, बस उसको पहचानने की देर है। और जो है हर इंसान कर सकता है, जब मेरी जैसी, मैं एक बहुत साधारण महिला हूँ, जब मेरी जैसी महिला अपने आप को साबित कर सकती है और मुंबई में जाके मिसेस इंडिया कंजेनिटी का अवार्ड विन कर सकती है, तो जिसमें खासियत है तो उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पहचानिए और किसी के अधीन मत रहिए, एक कदम बढ़ाइए, दुनिया आपके पीछे चलेगी। चलिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज हैं हमारी तरफ से कि आप ऐसे ही लाइफ में और बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल करो। ये थी मिसेस पनाश 2018। बहुत अहम अहम बिंदुओं पे इन्होंने अपनी बात रखी कि खासतौर पर बेबाक बोल थे इनके, हर तरह से इन्होंने बात करी कि अगर समाज में हमें हर चीजें नहीं मिल रही है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अपने सपनों को मारना नहीं चाहिए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सपनों को किस तरह से उसको उसमें कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर हम उस पे काम करेंगे। इसी के साथ कैमरामैन रजत, आकाश, इंडिया लाइव टीवी, स्वरूप नगर, कानपुर।